केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए अग्नि परियोजना लेकर आया है। अग्नि परियोजना का अर्थ आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल से है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़ी व्यवहारिक प्रथाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसके लिए इच्छुक योग्य आयुर्वेद चिकित्सक CCRAS की वेबसाइट पर जाकर 15 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। CCRAS के महानिदेशक प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य ने अग्नि परियोजना के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए कहा कि आयुर्वेद चिकित्सकों के बीच साक्ष्य आधारित अभ्यास की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ रोग से संबंधित विभिन्न स्थितियों में अपनी नवीन प्रथाओं और अनुभवों के बारे में बताने के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों को एक मंच प्रदान करना। इस पहल का उद्देश्य वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से व्यवहारिक प्रथाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसंधान करना भी है। CCRAS NCISM के परामर्श से शिक्षा और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए सूचित की गई चिकित्सा पद्धतियों और चिकित्सीय आहारों का दस्तावेजीकरण और प्रकाशन करेगा। आयुर्वेद चिकित्सकों और अन्य प्रासंगिक संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान प्रस्तावों के विकास के द्वारा इन्हें मुख्य धारा में लाने और वैज्ञानिक सत्यापन के लिए सामने लाई गई चिकित्सा पद्धतियों पर CCRAS द्वारा आगे अनुसंधान अध्ययन किया जा सकता है। इस समय लगभग 5 लाख से अधिक पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक मुख्य रूप से भारत में काम कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय के तहत CCRAS एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है जो आयुर्वेद में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान कराने, उनके लिए समन्वय सूत्रबद्ध करने, विकास और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल के दिनों में आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए CCRAS ने स्नातक छात्रों के लिए स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन, PG छात्रों के लिए स्कीम फॉर ट्रेनिंग इन आयुर्वेद रिसर्च फॉर PG स्कॉलर्स और शिक्षकों के लिए स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। हाल के दिनों में आयुर्वेद हस्तक्षेप के माध्यम से गंभीर और पुरानी दोनों तरह की नई रोग स्थितियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया गया है, जिनका वर्णन आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथों में भी नहीं मिलता। इसने थोड़े ही समय में आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया है।